दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि 498 का केस जब पत्नी करती है तो पति लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब पत्नी के 498 केस करने से भी पति का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यानी कि पत्नी अगर 498 का केस करती है तो वो पत्नी पति के साथ में नहीं रह सकती है, किसी भी हालत के अंदर नहीं रह सकती है, और साथ में पति पत्नी का तलाक भी मान लिया जाएगा। यानी कि पत्नी के 498 केस करने से पति पत्नी का तलाक मान लिया जाएगा। तो किस तरीके से मान लिया जाएगा, क्यों पत्नी पति के साथ में नहीं रह सकती है ये केस करने से, तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पति का किस तरीके से फायदा होगा ये पूरी जानकारी मिलेगी, पर आपको करना क्या है वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि जब पत्नी 498 का केस करती है तो उस केस के अंदर पति पति के घर वाले जो भी रिलेटिव वगैरह हैं, इन सभी के ऊपर बहुत ही संगीन और बहुत ही गंभीर आरोप लगाती है कि इन सब ने मेरे साथ में क्रूरिटी की है, मेरे साथ में अत्याचार किया है, मुझे यातनाएं दी है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, मेरे साथ में मारपिटाई हुई है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। यानी कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गलत दिखाती है। तो कई बार होता यह है कि इन झूठे आरोपों के कारण भी पति पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब उन्होंने पत्नी के साथ में ऐसा किया ही नहीं है तब भी पुलिस उनका हरासमेंट करती है, पुलिस और कोर्ट के चक्कर उनको बार बार लगाने पड़ते हैं, और अंत में रिजल्ट आता है कि वो उस केस से बरी हो जाते हैं। क्योंकि कोर्ट के अंदर हमेशा एविडेंस मांगे जाते हैं और पत्नी के पास में जो भी आरोप लगा रही है उनके एविडेंस नहीं होते हैं, तो परिणाम ये आता है कि जिन लोगों के खिलाफ वो केस दर्ज करवा रही है वो सारे लोग हैं जो उस केस से बरी हो जाते हैं। पर इससे बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुआ है, क्रुएल्टी हुई है पति पति के घर वाले रिलेटिव इन सभी के साथ में, क्योंकि उनका समय और पैसा बिना वजह बर्बाद हुआ है, हर जगह उनको अपमानित होना पड़ा है। तो इन सब के आधार पे अब पति लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी कि सबसे पहले तो अगर पत्नी इतने संगीन आरोप लगा के अगर पति के साथ में रहने की बात बोलती है तो पति उस पत्नी को रखने से मना कर सकते हैं, इस तरीके से मना कर सकते हैं कि ये पत्नी जब मेरे ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रही है तो मेरे साथ में रहते हुए और भी ज़्यादा गलत कर सकती है, मुझे फंसा सकती है, मेरे साथ में हरासमेंट कर सकती है, किसी भी लेवल के ऊपर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर सकती है, तो मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। तो अगर पति इसका रेफरेंस वहाँ पे देते हैं, अच्छे से अगर कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं जहाँ पे पत्नी पति के साथ में रहने की बात बोलती है, तो यहाँ पे पति को बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल भी पति के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि आप इस पत्नी को रखो, यानी कि रखने के लिए पति को बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस चला रखा है। तो यहाँ पे पति को ये बड़ी सफलता मिल जाएगी अगर पति उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरा, अगर पति ऐसी पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक भी लेना चाहते हैं कि इस पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498 का केस किया है, तो पति को क्या करना है कि जब पत्नी 498 का केस करती है तो उस झूठे 498 केस से बाहर निकलने के जो भी पति के पास में ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन को पति को यूज करना है। जैसे FIR बेस पे पति डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 CRPC में क्यूएसिंग के लिए, या फिर चार्जशीट बेस पे भी पति हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 CRPC में क्यूएसिंग के लिए, या फिर पति ट्रायल फेस करके भी उस केस से बरी हो सकते हैं। तो जब पति के पक्ष के अंदर 498 केस का परिणाम आ जाएगा यानी कि पति उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, तो इस ग्राउंड के आधार पे पति उस पत्नी से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। और अगर पति बरी भी नहीं होते हैं, 498 केस से बाहर भी नहीं होते हैं, और पति के पास में अगर इन बातों के सबूत है कि पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498 का केस किया है, तो इसको भी क्रुएल्टी का ग्राउंड बना के और पति डायरेक्ट डाइवोर्स का केस फाइल करके उस पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, पत्नी के 498 केस करने से पत्नी पति के साथ में रह भी नहीं सकती है, पति के साथ में रहने का पत्नी का ये अधिकार भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और साथ में पति पत्नी का डाइवोर्स भी हो जाएगा। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपने किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।